गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में युवा और शिक्षित प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी ने विजय मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर हेमांग जोशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से वडोदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। 7 मई को वडोदरा में वोटिंग प्रस्तावित है, जिसके तहत आज नामांकन दर्ज कराया गया। वडोदरा के गोत्री के इस्कॉन मंदिर में डॉक्टर हेमांग जोशी ने भाजपा नेताओं के साथ दर्शन किए और वहां से पैदल वडोदरा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अभिजीत मुहूर्त में लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। भाजपा के वडोदरा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, सांसद रंजन बेन भट्ट, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, शहरवाड़ी विधायक मनीषा वकील, सयाजीगंज विधायक के यू रोकड़िया, मांजलपुर विधायक योगेश पटेल, पूर्व विधायक जीतू सुखड़िया, इस्कॉन मंदिर के महंत नित्यानंद स्वामी समेत के कई लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर हेमांग जोशी ने जीत की ताल ठोकते हुए अपना नामांकन दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टर हेमांग जोशी के डमी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता मेहुल लाखानी ने अपना नामांकन पत्र भरा है। आज वडोदरा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधिवत मैंने आज मेरा नामांकन कलेक्टर श्री को 12:39 में सुपरत किया है। बहुत ही अच्छा माहौल एक इस्कॉन मंदिर से लेकर यहाँ तक इतनी धूप में भी सभी कार्यकर्ता और शुभेच्छकों के साथ मिलकर हमने चलते हुए आए और पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के समक्ष आकर हमने हमारा नामांकन पत्र दिया। और मैं आपके माध्यम से फिर से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और वडोदरा की जनता का आभार मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी कार्यकर्ता है उसे जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उसे अपने प्रामाणिकता से उस जिम्मेवारी का वहन करना होता है। तो मुझे भी एक कार्यकर्ता के नाते बड़ी खुशी हो रही है कि जब मुझे बूथ में भेजा जाता है कि ये 25 घर में मुझे पत्रिका देनी है, ये 50 लोगों का संपर्क करना है और उस वक्त मुझे जितना आनंद होता है उतना ही आनंद मुझे आज ये डमी उम्मीदवार में फॉर्म भरते हुए हुआ है। क्योंकि पार्टी डिसाइड करती है कि कार्यकर्ता का रोल क्या है, कार्यकर्ता क्या काम करेगा और जो पार्टी हमें मतलब जिम्मेवारी का वहन करने का कहती है वो जिम्मेवारी हम आनंद मंगल मौज से करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं नहीं, सभी कार्यकर्ता ये करते रहते हैं। पूरा बड़ोड़ा रोड पे उतर आया था, पूरे बड़ोड़ा का जन समर्थन, बड़ोड़ा के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि बड़ोड़ा का हर एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो अपने आप ही, और मुझे तो ये लग रहा है कि कल का रैली नहीं रैला देखा था, आज का जो कार्यकर्ता का समर्थन देखा उसी प्रकार 7 तारीख को जब चुनाव का दिन रहेगा तब उतना प्यार बरसाएगी बड़ौदा की जनता कि सामने वालों की डिपोजिट डूल हो जाएगी। और ये परिणाम आप जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन आप भी देंगे और देखेंगे और पूरा भारतवर्ष देखेगा कि कुछ नया ही आयाम ये बड़ौदा की जनता सर करने वाली है। भारत की 125 करोड़ जनता कह रही है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।